सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में जो है हम इस वाली ट्रेंड के ऊपर वीडियो को एडिट करेंगे गाइस, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये वाला जो ट्रेंड है गाइस, मतलब कि आपको पता चले गया होगा, तो गाइस कोई भी ट्रेंड आता तो उसमें मतलब कि जल्दी से दो तीन वीडियोस बना दो, तभी वीडियोस के वायरल होने के चांसेस बढ़ते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि आपको एडिट कैसे करना है। तो सबसे पहले गाइस ब्राउज़र में जाओगे, ब्राउज़र में जाने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे टाइप क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है 3D स्मूथ इमेज कैपकट टेम्पलेट, ठीक है। ट्रांजिशन भी कर सकते हो, बट इतना भी लिख दोगे तो भी गाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे जो है यहाँ पे सर्च कर देता हूँ अब, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना है यहाँ का प्रोसेस अब जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इतना टाइप कर दोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च कर दोगे तो गाइज यहाँ पे मतलब कि मेरा डेस्कटॉप मोड ऑन है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो सबसे पहली वाली जो वेबसाइट है गाइज, इसके ऊपर टाइप करना है। इसके अंदर जैसे ही जाओगे गाइज आपको यहाँ पे जो है दो तीन मतलब कि टेम्पलेट दिखेंगे, बट उसके बाद नीचे वाला जो टेम्पलेट है मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। तो ये आपको दिख रहा होगा ये वाला टेम्पलेट, तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे यूज़ टेम्पलेट इन कैपकट के ऊपर टाइप कर देना है। और गाइज अगर इसको यूज़ करने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कई बार होता है ना वीडियो इजेंट अवेलेबल लिखा हुआ आ जाता है, तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लेना। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चैनल पर जाके भी देख सकते हो। अब गाइज देखिए यहाँ पे इतना जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यूज़ टेम्पलेट के ऊपर टाइप कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो गाइज यहाँ पे जो है आपकी कैपकट के अंदर गैलरी होती है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है गाइज आप लोग चाहो तो वीडियो भी ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे फोटोज़ का ट्रेंड है तो फोटोज़ ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं गाइज, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आपको प्रीव्यू के ऊपर टैप कर देना है। प्रीव्यू के ऊपर जैसे टैप करोगे एक सेकंड दो सेकंड का वेट करना है, एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे वीडियो बन के आपकी रेडी हो जाएगी। बट यहाँ पे जो है अभी म्यूज़िक जो है आपको पता ही है गाइज, अगर हम किसी टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं तो म्यूज़िक तो अलग ही टाइप का होगा। तो ट्रेंडिंग वाला जो म्यूज़िक है वो ऐड करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले इसको जो है हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस कि गाइज आप लोगों को कैसे ऐड करना है म्यूज़िक, ठीक है। एंड बाकी जो भी स्टॉक वगैरह होगा सारा टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। अब ड्राइव में कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ड्राइव में से जो डिलीट हो जाता है, मतलब जो आपका ये जो मैं भी जो भी स्टॉक देता हूँ डिलीट हो जाता है, मैंने कई बार देखा है। तो मेरे को सब्सक्राइबर कमेंट भी करते हैं कि भाई तो डिलीट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे टाइप करना है। अभी जो वीडियो को हमने सेव किया था उस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद ऐड कर देना है यहाँ पे। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले तो हमें वीडियो का जो वॉइस है मतलब वॉल्यूम है इसको बिल्कुल जीरो कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको ऑडियो के ऊपर टाइप करना है, फाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से गाइस आपको डाउनलोड कर लेनी वाली वीडियो, ठीक है, जिसका म्यूज़िक हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं म्यूज़िक। बाकी इतना हो जाने के बाद आपको प्ले करके देख लेना, आपकी वीडियो एकदम कंप्लीट एडिट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जो सॉन्ग है वो थोड़ा मतलब कि छोटा सा है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 13 सेकंड का है, और वीडियो हमारी 19 सेकंड की है। तो बाकी आप चाहो तो आगे की वीडियो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी गाइज। तो आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज, आप लोगों के लिए मैं ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो लाते रहता हूँ। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।